हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और आज मैं मेरे बालकनी में हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने बालकनी से वीडियो स्टार्ट किया है। पता नहीं किसका क्या है, मेरे दरवाजे के सामने लटक रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं किसका है तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। जाने दो, माइंड मत करो उसे। और मेरी कुक, मेरी हाउस हेल्पर आ गई हैं, आरती आ गई हैं। तो उन्होंने बोला कि भाभी क्या बनाए नाश्ते में सुबह, तो मैंने कहा कि चाय पकौड़ी बना दो। एक्चुअली एक बार टिफ़िन बना दिया उन्होंने, दीप टिफ़िन लेके जा चुके हैं। आज मैंने दीप को बोला है कि टाइमली आ जाए, क्योंकि आज हम लोगों को चलना है ख़रीदारी के लिए। जो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं उनके लिए कुछ कपड़े ले लें, यार जो भाई की लड़की आई है। तो मैंने दीप से बोला है कि जल्दी आ जाएगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे। आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग के साथ अपना सारा दिन शेयर करूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करती हूँ। सोचा तो यही है, देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। और आज ना बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, और हरियाली देखिए तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। चिड़ियाँ चहचहा रही है, आप सुन रहे हो? वैसे मैं मेरे ब्लॉग में ऐसा नहीं बोलती, चिड़िया चहचहा रही है, बारिश हो रही है, ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ। दो या तीन बार मैंने बोला होगा, मतलब दो या तीन बार ना। तो अभी ना बार बार बोल रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, और मैंने सोचा कि मैं आपको बोलूं। आप लोग वैसे भी कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि दी चिड़िया कहाँ बोल रही थी, यहाँ तो बोलती है, यहाँ पर काफ़ी हरियाली है तो चिड़िया यहाँ पर आती है। जब हम लोग आए थे ना तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था ये बनना, सोचो इतनी जल्दी बन गया, बन के रेडी हो गया। तो यही होता है टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो चलो मैं आप लोगों को चाय और पकौड़ी की रेसिपी बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ कि कैसे बनती है हमारे यहाँ। और क्या बोलना था, और हाँ, आप लोग बोल रहे थे ना कि बाबू की स्किन केयर के बारे में बताइएगा, तो आज मैं जब बाबू को नहलाने लगूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ बाबू के लिए। वैसे मैं बाबू को ना वाओ का एक 3-in-1 आता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मैं वही यूज़ करती हूँ। उसे आप एज अ फेस वॉश, एज अ बॉडी वॉश, एज अ शैम्पू यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। प्लस उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो बच्चे की स्किन को हार्म पहुँचाए, तो इसलिए मैं उसे यूज़ करती हूँ। मैं लास्ट में उसका रिव्यू दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी तो मैंने नहा लिया है फ़िलहाल, लेकिन बाबू को नहलाने के बाद फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। मैं काफ़ी ज़्यादा गलती करती हूँ यार, मुझसे हो जाती है, सोचती हूँ ना कि अब की बार नहीं करूँगी गलती, बट ऐसा कहाँ लिखा है कि प्रियादीप से गलती ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलतियों का ढेर हूँ मैं तो बस यही है। चलो चलते हैं, सबसे पहले चाय और पकौड़ी खाते हैं, और जानू बुला रही है बुआ बुआ, तो चलो आप लोगों से भी मिलवाते हैं अंदर। आज ना लाइट भी नहीं है, बारिश हो रही है, और रूम में मैंने सिर्फ एक ही लाइट ऑन करी है, तो अंदर थोड़ा सा धुंधला उधला रहे तो काम चला लेना आप लोग। आई नो आप लोग काम चला लोगे। और क्या करते हो यार, आप लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? ब्लॉग पसंद नहीं आता तो नीचे कमेंट करके बताया करो ना कि दी आपके ब्लॉग में एक कमी है, तो मैं वो सुधारने की कोशिश करूंगी, बट यार लाइक कर दिया करो, ठीक है। और मैंने क्या क्या जानू के लिए लिया है वो मैं नहीं शेयर करूँगी, वो भाभी दिखाएंगी कि प्रियादीप दी ने उनके लिए और जानू के लिए क्या क्या लिया है, तो आप लोग उनका ब्लॉग देख लीजिएगा। अभी चलो चलते हैं अंदर 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 से कोई बाहर ना जा सके। देखो हो गया ना, मैंने बोला था धुंधला हो जाएगा, मुझे पहले बंद कर दो नहीं तो बच्चों का डर रहता है। बाहर से कोई अंदर ना आ सके। देखो बंद ही नहीं हो रहा, बारिश के सीजन में थोड़ा सा मुझे डांस करना पड़ता है, डांस बसंती। तो चलो मिलती हूँ। ये कोई छोटा सा बेबी आ गया क्या? ये देखो बोलो ना, शांत क्यों? वो देखो छप गुच्छा हो गए, छप गुच्छा हो गए, छप जानू छे गुच्छा हो गए। हाय कर लो, छप बोलते हैं, जानू बोलती नहीं। अली बाब हाय, जानू ने बोला अले ले ले। बच्चा बोलो, बुआ बोलो, बुआ बुआ बोलो, बोलो ना, बोलो ना बुआ। पापा, आज जानू ने पापा को बुलाया, पापा 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 बुला पापा। अच्छा जानू चाय पकौड़ी खाओगी? पकौड़ी खाओगी? पलो कैसे करूँ, पकौड़ी खाओगी? आ हाँ खाएगी, चलो चलो खाते हैं चाय पकौड़ी खाते हैं। अच्छा चलोगी मार्केट घूमने? चलोगी
जानू बुच्छा हो, देखो बुआ जान, ओहो एक तो आरती है, जा रही है कहीं, जा रही है, चलो 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 चलो। जानू देखो बुआ को क्या हुआ है, ये देखो आईज में, बुआ की आईज में देखो कुछ हुआ। आप बोलते ही नहीं हो, आप बोलते ही नहीं हो, बुआ कब से बुला रही है। बुआ का नाखून तोड़ना है जानू को, नाखून तोड़ना है, जानू नाखून तोड़ेगी। अरे जानू नाखून तोड़ेगी, अरे बेटा ना तोड़ो, ये देखो नाखून तोड़ेगी बुआ का मेरी नाखून। दादी को बुला रही हो, बुलाओ बुलाओ अम्मा। देखो देख लो इनको, जब से आई है ऐसे ही घर में हमेशा शोर शराबा होता रहता है, किलकिलाहट की आवाज हमेशा जब देखो तब किट 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 करती रहती है। टाइम कब पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। अले 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 भाई मेरा बच्चा लूला है, छप देख रहे हैं जानू, आपको छप देख रहे हैं, ये देखो क्लैपिंग 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 जानू, क्लैपिंग क्लैपिंग करो, क्लैपिंग कर दो ना। ये देखो ये कौन है, आए हाय नजर न लगी मिले बच्चे को। ये देखो अरे भाई ये गुल्लू मुल्लू कौन है, ये कौन है भाई, किछे देख रहा है मेरा बच्चा, किछे देख रहा है। जो पार्ले जी में पार्ले जी बिस्किट में जो बेबी नहीं आती थी, सेम वैसी ये मेरी लाड गुड़िया, जब से आई है तब से शैतानी करती रहती है, बुआ को परेशान करती है। वहां तो खुले में घूमी है, हाँ कोई छून लो भाई इनका, वहां खुले में घूमी है, यहाँ एक रूम में पैक होना होता है। ओहो मम्मी चाय पी ले रही है, आपको नहीं दे रही है, मम्मी गंदी ना, कहाँ है मम्मी, अपने बेडरूम में चाय पी रही हूँ बैठ के, बस इनको नहीं दे रही, इनको मिर्ची लग रही है। स्माइल, ये देखो कितनी प्यारी सी स्माइल आई, छप को मैं दिखा रही हूँ, आप कैसे रो रहे हो, देखो कैसे रो रहे हो आप, छप देख रहे हैं। यूपी ब्लॉग आए देखो। चाय पी के जा रही हैं, अभी खुद खा पी रही हैं, बच्ची की परवाह नहीं है इनको, नहीं परवाह है, नहीं परवाह है। बिल्कुल परवाह नहीं है, पब्लिक में बेइज्जती सुन लो। आज मैं कैसी हुई हूँ देख रहे हो, मेरे बाल मैंने ऐसे कर लिए हैं, गांठ बांध लिए हैं, क्योंकि मुझे मेरी बाबू को खिलाना है। इसे जब आप प्यारी व्यारी करो ना तो आप बाल ही पकड़ के खींचती है, इसलिए इससे बचने के लिए मैंने मेरे बालों को बांध लिया है। अकेले अकेले चाय पकौड़ी खा ली, मुझे नहीं पूछी, जानू को भी नहीं पूछी ना। जानू सबसे कंप्लेन कर दो, मम्मा ने आपको चाय पकौड़ी नहीं खिलाई ना, ना जानू मम्मी ने चाय पकौड़ी नहीं खिलाई। और हाँ चाय पकौड़ी की रेसिपी से याद आया कि मैंने शेयर कर दिया, आप लोग देख लो कि हमारे यहाँ कैसे बनती है, आरती ने बनाया है। तो चलो यहाँ पर मम्मी ने भी खा लिया, सब ने खा लिया, हमारा ही वेट हो रहा था, हम थोड़ा सा बिजी थे, काम कर रहे थे। जानू एलो 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 एक मिनट, जानू को ना चाय पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले आरती ने प्याज कट किया, यहाँ पर इन्होंने चार प्याज ली हुई थी, अब यहाँ पर दो से तीन हरी मिर्ची कट कर रही है, इसके बाद धनिया पत्ती, कढ़ाई भी रख दे रही है ताकि गर्म हो जाए। अब यहाँ पर निकाल रही हैं बेसन, हम लोग चार पाँच जन हैं तो उसी हिसाब से पकौड़ी बना रही हैं। अब कढ़ाई गर्म हो गई तो तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए, जब तक के घोल को तैयार करेंगी, मतलब मिक्सर तैयार करेंगी तब तक हमारा तेल गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर अपने हाथ का ही यूज़ कर रही हैं, करिए हमें इससे ज़्यादा आसान होता है और पता चल जाता है कि हमें कितना थिकनेस रखनी है। इसके बाद तेल गर्म हो गया, पकौड़ियाँ निकाल रही हैं, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकौड़ी रेसिपी में। और दूसरी तरफ हमारी चाय भी बन रही है, सो हमारी पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं, आप लोग भी आ जाओ। मैंने तो पकौड़ियाँ खाना स्टार्ट भी कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग भी आ जाओ।
सो गाइज, अभी दोपहर के 12 या 12:30 बज रहे होंगे। मैं बाबू को नहलाने आई हूँ, लेकिन वो खुद ही नहा रहा है। मतलब उसको अच्छा लगता है मैं नहलाती हूँ ना, तो भी अपने हाथ से रगड़ता रहता है। बोलता है मम्मा थोड़ा सा मुझे भी दे दो। मैं यहाँ पर वाओ के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, बच्चों के लिए बेस्ट है। बच्चों के क्या, सबके लिए वाओ के प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट नहीं होता जो हमें नुकसान पहुँचाए। तो बाबू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहा है, बोल रहा है मम्मा मेरा पैंट निकाल दो। तो मैंने कहा नहीं भाई, सब लोग देख रहे हैं, आज मैं तुम्हारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, तो वही देख के ऊपर हंस रहा है कि अच्छा रिकॉर्ड कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, तो रिकॉर्डिंग भाभी ने किया हुआ है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी नहला रही हूँ। ये देखो इसी तरीके से नहाता है, तो मैं नहा लेती हूँ, फिर भी मुझे नहाना पड़ता है इसे नहलाने के बाद। यही होता है मेरे साथ अक्सर। तो चलो मैं अभी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता दूंगी। तो यहाँ पर बाबू मज़े ले लेके नहा रहा है। और हाँ, फेस वॉश के लिए भी मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, वाओ का ही। सो गाइज, आप देख सकते हो जानू मस्ती कर रही है। जब से आई है ना, घर में हमेशा किलकिलाहट की आवाज़ रहती है, कुछ दिन तक रहने वाली है। देखो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये मेरे पास में ही है और मस्ती कर रही है। जब तक रहेगी तो कुछ दिन तक इंजॉय कर ले रहे हैं जानू के साथ। वॉइस ओवर भी नहीं करने दोगी बेटा? कुछ नहीं करने देती, वॉइस ओवर कर रही हूँ। बुआ बुआ करके आ गई है, तो जब तक ये हैं तब तक चल रहा है। दूध पी रही थी तो मैंने कहा दे दो बॉटल, मुझे नहीं दे रही है। दूध लग गया तो मैं वही साफ कर रही हूँ। ये देखो शुरू हो गया इनका खटखटाना, सोच रही है कोई खोल दे, बट कौन खोलेगा। गांव में खुला पाती थी, वैसे तो हम मॉल वगैरह लेके जाते हैं, पार्क वगैरह, बट गांव की तरह खुला प्लेस नहीं पा रही है ना, तो जीव उब रहा है उसका और ऐसे ही सारा दिन करती है खटखट। लाइक करो, लाइक। जानू का देख के ये भी बॉटल पी रहे हैं, बॉटल पी रहे हैं, बॉटल बॉटल पी रहे हैं, बॉटल बॉटल बॉटल। अभी नहा के आए हैं। आए हाय, आए हाय, शैम्पू कितना अच्छा वर्क किया है ना बेटा। नहलाया किसने आज आपको? अपने आप से नहाए हो? तो गाइस अभी शाम के 3:30 या 4:15 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता है। मौसम वैसे ही है, हल्की फुल्की बारिश ही हो रही है और दीप आ चुके हैं, तो हम लोग जा रहे हैं। और ब्लॉगिंग आराध्या ने भी स्टार्ट करी है, तो मैं बाहर का आपको नहीं दिखा पाऊंगी, तो आपको उनके ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो नवरात्रि भी आने वाली है, तो मुझे काफ़ी सारी साड़ियाँ, चूड़ी एंड ज्वेलरी लेनी है, जो कि लुक के लिए चाहिए होगा। वैसे तो मैं लेके आई हूँ और मैंने उसे लिया था करवा चौथ के लिए, बट वो सारी साड़ी मेरी यूज़ हो जाएंगी दुर्गा पूजा लुक में, और मुझे दीपावली करवा चौथ के लिए साड़ी लेनी है। तो चल रहे हैं, और भाभी के लिए भी साड़ी लेनी है। भाई फर्स्ट टाइम भाभी आई है, तो बड़ी ननद हूँ, तो मेरा तो फर्ज ही बनता है ना कि उनके लिए कुछ करूँ, बट मैं नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या दिया है। भाभी आप लोगों को दिखा देंगी, तो आप लोग उनके ब्लॉग का वेट कीजिएगा, मे भी उनका ब्लॉग चला जाए पहले। मेरा और उनका ब्लॉग एक ही दिन में जाता है, तो हो सकता है उनका सुबह चला जाए और मेरा शाम में जाए, मतलब उनका 4 बजे जाता है, मेरा 9 बजे जाता है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने ब्लॉग देख ही लिया हो। और ये वाला जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ना, इसको दीप ने मुझे गिफ्ट किया हुआ है, उन्होंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक और उन्होंने मंगाया हुआ है, इकट्ठे मेरे लिए 6-7 ड्रेस मंगाया हुआ है दीप ने, जो कि जल्दी मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी। और जींस टॉप भी मंगाया उन्होंने, और कई लोग भाभी से बोलते हैं कि भाभी आप जींस टॉप पहनो, तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता। गाइज एक्चुअली क्या है ना कि मैं मेरी शादी से पहले भी पहनती थी जीन्स वगैरह, ये सब पहनती थी, बट भाभी ने कभी नहीं पहना है। भाभी कभी गांव से बाहर गई ही नहीं है। मेरे दादू जी के साथ बाहर रहती थी, जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे दादू जी किस जॉब में थे, तो मैं उनके साथ बाहर रहती थी, तो मेरी आदत थी मैं पहनती थी। बाद में जब मेरी शादी हो गई तो मैंने छोड़ दिया, सीधी सी बात है, गांव में शादी हुई तो जींस मैं नहीं पहन सकती हूँ। फिर जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ तो मैं अब पहन रही हूँ, जब मैं फिर घर जाती हूँ तो नहीं पहनती हूँ, सीधी सी बात है। और कई लोग बोलते हैं कि गाँव में इतनी संस्कारी और यहाँ पर ऐसा, तो गाइज जो हम किसके सामने पर्दा करते हैं, बच्चों के सामने तो करते नहीं है ना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने। और बड़े बुजुर्ग के पास मोबाइल नहीं होती है, क्यों आप लोग नहीं समझते वो बात? मैंने तो भाभी को कितनी बार बोला है, उनको पता है, कभी कोई नहीं बोलता कि आप सिर पे पल्लू रखो, बट उनकी आदत है, शुरू से ही आदत है। आप यहाँ भी देखते हो ना, मैं उनको सूट में लिवा के जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ आप ब्लॉग देखते होंगे, सूट ही पहनती है। घर पे भी, ससुराल में भी आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने सूट पहना है, बट आप उनके जितने ब्लॉग देखोगे अक्सर वो सूट पहनती हैं, बट उनकी आदत है, वो सिर पे पल्ला डाल ही लेती है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग आके मुझे सुनाते हो,
तो गाइस प्लीज ऐसा मत किया कीजिए, मतलब हर एक चीज मेरे हिसाब से नहीं हो सकता कि मैं चेंज करूं, कुछ हमारा कल्चर है मैं फॉलो करना पड़ता है, मैं भी करती हूं, आप लोग देखते भी हो ये चीज, तो बस यही है, उनको जींस नहीं पसंद, उन्होंने कभी नहीं पहना है। मैं भी बाहर बाद में निकले तो हो सकता है कि पहनना पसंद कर दे, पसंद आ जाए, बट अभी कह दी कि मुझे नहीं पसंद। और मेरा यहाँ पीछे ना खिड़की है तो बाहर से पूरा दिखता है, तो इसलिए मैंने लगा दिया कुछ इस तरीके का। और भी हूँ मेरे स्टूडियो रूम में, जल्दी मैं आप लोगों के साथ स्टूडियो रूम टूर शेयर करने वाली हूँ, जल्दी करूँगी। और अभी मैंने बातें करी बहुत, चलो चलते हैं, थक भी गए हैं यार, सुबह से कुछ काम नहीं किए फिर भी थक गए हैं, क्या बात है, चलो चलते हैं। जैसे ही हम रूम से बाहर निकले ना, पसीने की वजह से हमारी बिंदी ही गिर गई है, देखो जानू को, भाई को देखो, मम्मी भाभी। अरे हाँ यार, जब तक मैं मार्केट जा रही हूँ खरीदारी के लिए, तब तक आप लोग रिव्यू देख लीजिए मार्केट का, तो मैं दिखाने वाली हूँ, नहीं भाभी दिखाएंगी, तो आकर आपसे मिलते हैं। सो गाइज, मैं मेरे बेबी के लिए यूज करती हूँ वॉ स्किन साइंस किड्स 3-in-1 टिप टू टो वॉश। इसे आप एज अ शैम्पू, एज अ कंडीशनर, एज अ बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं, बट मैंने तो इसे 4-in-1 बना दिया है, मैं फेस वॉश के लिए भी इसे यूज करती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा माइल्ड है और जितने भी इंग्रेडिएंट इसमें हैं सभी नेचुरल हैं, तो कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं। और मेरे बेबी को मैंगो काफी ज्यादा पसंद है, तो वो अपने फेस पे आसानी से लगवा लेता है, खुद अपने हाथों से लगाता है, और मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि यार मैं इसके फेस पे लगा रही हूँ, तो इसे आप लगा सकते हो क्योंकि ये टीयर फ्री है। अगर आप अपने बेबी के फेस पे लगा रहे हो तो उसे कोई भी आंसू नहीं गिरने वाला, टीयर फ्री है, प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको तभी यूज करना है जब आपका बेबी 3+ हो, मतलब 3 साल से बड़ा हो। और इसमें काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, जैसे मैंने मैंगो वाला मंगवाया क्योंकि मेरे बेबी को मैंगो पसंद है, बट आप अपने हिसाब से मंगा सकते हो। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाके ले सकते हो। एक बार मैं आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दिखा दे रही हूं, इसमें आप देख लीजिए, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स, नो कलर, एंड पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। और क्या चाहिए यार, इतने ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में हमें इतना अच्छा 3-in-1 मिल जा रहा है हमारे बेबी के लिए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। और वाओ की यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये लोग जितने भी प्रोडक्ट निकालते हैं ना, सभी मतलब पैराबेन, मिनरल, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फ्री होता है, तो इसलिए मुझे वाओ का प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पर आप देख लीजिए, डिड यू नो, सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स में दिया हुआ मिल जाएगा, ये देखिए। इसे यूज कैसे किया जाता है, इसे यूज करने का तरीका बताने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा ही दिया है यूज करके, बस मैं आपको की इंग्रेडिएंट्स दिखा दे रही हूँ क्योंकि की इंग्रेडिएंट्स जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। फोकस ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, फोकस प्लीज, फोकस किए रहना। तो ये देखिए, प्यूरिफाइड वाटर, कोकोनट, इसके बाद ये देखिए एलोवेरा लीव जूस है, एंड एवोकाडो ऑयल है, जितने भी इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा रही हूँ ये देख लीजिए, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, मतलब कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके बेबी के लिए हार्मफुल हो, तो हाईली रिकमेंडेड है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो मैं आपको इसकी प्राइस भी बता दे रही हूँ, प्राइस यहाँ पर जितनी मेंशन है उतने में आपको नहीं मिलती, हमेशा इस पर डिस्काउंट चलता रहता है, आपको 200 के अंदर मिल जाएगी। वैसे तो इसकी प्राइस है 399 रुपीज़, फोकस ही नहीं करता, बेइज्जती करा देता है मेरा, ये देखिए 399 रुपीज़, बट हमेशा इस पर डिस्काउंट चलता रहता है, 200 के अंदर आपको मिल जाएगा। सो गाइज, हम घर आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया, रात के 10:30 बज रहे होंगे, हमने एक इसे लिया हुआ है बैकग्राउंड के लिए, और एक वाइट में, एक येलो में, और मैंने दो बैट की ली हुई है, मैं अभी आपको बैक कैमरे से मैं अभी आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है। मैंने काफ़ी सारी खरीदारी की हुई है, बट मैं उसका अलग से हॉल वीडियो शेयर करूँगी। और हम लोग कहाँ गए थे, आराध्या के ब्लॉग से आपको पता चल ही गया होगा, और हमको हमारी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी, उनका नाम था सालनी, जो कि आराध्या के ब्लॉग से आपको पता चल गया होगा, आराध्या ने वो क्लिप ऐड की हुई है, तो मैंने मेरे ब्लॉग में नहीं ऐड किया क्योंकि एक ही जन के ब्लॉग में जा सकता था, तो इसलिए आराध्या के ब्लॉग में वो है, आप लोग देख लीजिएगा कि कौन मिला था। और कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, काफ़ी लंबा सा, काफ़ी बड़ा सा है, चलो मैं आपको दिखा दे रही हूँ।
चलो बैग कैमरे से दिखा दे रही हूँ। काफी बड़ा सा है ये देखिए। और एक बेड की मेरी ये है, एक और मैंने दो लिया हुआ है, एक व्हाइट कलर वाला। ये रही सेकंड बेड की। मैंने इतनी सारी बैंगल्स ली हुई है और ये सारी ज्वेलरी हैं जो कि मैंने लुक के लिए लिया हुआ है। सॉरी ये तो पुरानी है, मैंने एक लुक क्रिएट किया वही रखी हुई है यहीं। मैं अभी स्टूडियो रूम में हूँ इसीलिए। और ये रहे मेरे कपड़े, मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ ली हुई हैं लेकिन दे दिए हैं फॉल पीको के लिए। और उनके ब्लाउज़ हैं मेरे पास, एक मिनट ऐसे करके फैला दे रही हूँ। एक काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे ना कि दी आप एक बंगाली मेकअप लुक करो, मतलब ब्राइडल मेकअप, तो उसके लिए मैंने एक वाइट एंड रेड में लिया हुआ है। इसके बाद एक साड़ी ये है जो कि मैंने एक लुक रिक्रिएशन के लिए लिया हुआ है। सबसे अच्छी साड़ी, मैंने जितनी साड़ी ली हुई है सब में अच्छी यही साड़ी है। कलर भी इसका आप देख सकते हो चेंज होता रहता है। इसके बाद ये है चुनरी। चुनरी साड़ी मेरे पास नहीं थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने लिया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद एक साड़ी ये है और इसका कलर मैं क्या बोलूँ, जब मिलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, ये देखिए। इसके बाद ये सारे हैं वन पीस। जानू के लिए मैंने काफ़ी सारे कपड़े लिए हुए थे, सभी तो ठीक है लेकिन दो कपड़े उनको छोटे हो गए तो मैंने रखा हुआ एक्सचेंज के लिए, एक है और एक यही कहीं और रखा होगा। भाभी की साड़ी, भाभी की साड़ी भाभी अपने पास में रखी है, वो बाद में दिखाएंगी, इसे चलना है रिटर्न करने। सो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। मैं पूरा दिन तो आपको नहीं दिखा पाई, सो सॉरी फॉर दैट। मुझे पता था कि मैं नहीं दिखा पाऊंगी पूरा दिन। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। और कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। कुछ दिनों से बिजी चल रही हूँ इसलिए रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी। जल्दी मैं आप लोगों का रिप्लाई करना भी स्टार्ट करूंगी। तो आज के लिए बस इतना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, सी यू सून।